हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्राइगन डी टेबलेट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे ट्राइगन डी टेबलेट की संपूर्ण जानकारी, जिसमें जानेंगे इसकी मार्केट प्राइस क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसे किन किन बीमारियों में यूज कर सकते हैं, साथ में जानेंगे इसके डोज, साइड इफेक्ट्स और कुछ सावधानियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको ट्राइगन डी टेबलेट की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन में दो कॉम्बिनेशन है, पैरासीटामोल और डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसके अंदर जो पैरासीटामोल है, ये एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक ग्रुप की मेडिसिन है और ये माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी का भी प्रॉपर्टीज रखता है। और इसके अंदर जो डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड है, ये एंटी स्पास्मोडिक ग्रुप की दवा है और यह जो है कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। और इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो 33 रुपया में आपको 10 टेबलेट मिल जाता है। देख सकते हैं इसके एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट आता है। और इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंदर जो पैरासीटामोल है ये 325 मिलीग्राम है और इसके अंदर जो डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड है ये 20 मिलीग्राम है। और इसके यूज की बात करें तो एब्डोमिनल एरिया में किसी भी कारण से दर्द हो तो उस कंडीशन में इस टेबलेट के यूज किया जाता है। चाहे वो पेट का दर्द हो, गैस के कारण पेट में दर्द हो रहा हो, या पीरियड के कारण पेट में दर्द हो रहा हो, या कमर में दर्द हो रहा हो पीरियड के कारण, उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। चाहे वो किडनी का दर्द हो, किडनी स्टोन के कारण पेट में दर्द हो रहा हो, उस कंडीशन में भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है जिसमें पेट में दर्द रहता है, आंतों में छाले पड़ जाते हैं, उस कंडीशन में भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। पेप्टिक अल्सर के कारण या गैस के कारण पेटों में दर्द हो रहा हो, आंतों में दर्द हो रहा हो, मरोड़ हो रहा हो, उस कंडीशन में ट्राइगन डी टेबलेट के यूज किया जाता है। डायरिया के समय पेट में दर्द हो रहा हो, उस कंडीशन में भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। पेशाब के रास्ते में अगर दर्द हो तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर सिर का दर्द हो, यहाँ तक फीवर हो, तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट का यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर पैरासीटामोल है जो सिर दर्द और फीवर को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जा सकता है। यानी बोल सकते हैं बॉडी में कहीं भी दर्द हो, शरीर में कहीं भी दर्द हो, चाहे वो आपके आंतरिक अंगों में दर्द हो या बाहरी अंगों में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में एक एक टेबलेट दिन में 2 से 3 टाइम खाना खाने के बाद दिया जाता है, और बच्चों की बात करें तो 6 से 12 साल के बच्चों में आधा टेबलेट दिन में 2 से 3 टाइम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। इसका ज्यादा से ज्यादा आप दिन में 4 बार दे सकते हैं खाना खाने के बाद। और साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कब्ज होना, मुंह सूखना, अधिक प्यास लगना, सिर चकराना, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो आप इस टेबलेट का यूज करना बंद करें और अपने नजदीकी डॉक्टर से दिखाएं। और सावधानी की बात करें तो जिन व्यक्तियों को कब्ज की शिकायत हो या कब्ज हुआ हो, उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज ना करें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इस टेबलेट का यूज ना करें। देने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ओल्ड एज ग्रुप के व्यक्तियों में इस टेबलेट को दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन व्यक्तियों को लीवर या किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उन्हें विशेष सावधानी के साथ इस टेबलेट का यूज कराए। और इस टेबलेट का यूज करने के बाद एल्कोहल का सेवन न करे। और छोटे बच्चों में इस टेबलेट का यूज न करे। 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों में देने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो फ्रेंड्स, ये था ट्राइगन डी टेबलेट की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।